हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे भूगोल नवीं कक्षा का फर्स्ट लेसन वितरण के मानचित्र। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर आज देखने वाले हैं। तो पहले आपको पाठ को अच्छे से रीडिंग कर लेना है। तो चलते हैं हम इसके स्वाध्याय पर। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपको अ से लेकर ए तक दिखेगा सेंटेंसेस, तो उसमें आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, एंड कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। वैसे मैंने इसके कारण नहीं लिखे हैं, सिर्फ सत्य और असत्य लिखा है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट दिया है वितरण के मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य स्थिति दर्शाना है। तो उत्तर आएगा आपका असत्य। अगर आप कारण लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कारण ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन आ है सत्य, उसके बाद में है ई असत्य, आप इसे लिख सकते हैं। फोर्थ है असत्य, फिफ्थ भी असत्य है, सिक्स्थ है सत्य, एंड देन सेवेंथ है असत्य। लास्ट का एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, सेवेंथ क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, बिंदु पद्धति से विभिन्न भौगोलिक घटकों का वितरण दर्शाया जाता है। तो ये आपका है सत्य। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो अ है वितरण के मानचित्रों के उपयोग और प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वितरण के मानचित्रों के उपयोग और प्रकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर आप इसे लिख सकते हैं एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट है बिंदु पद्धति, सेकंड है क्षेत्रघन पद्धति, एंड ये लिखकर अगर आपका हो गया हो तो थर्ड है समघन पद्धति। जब किसी घटक का वितरण संलग्न होता है तब उसे दर्शाने के लिए समघन पद्धति का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में संबंधित चरांक का वितरण सममूल्य रेखाओं के आधार पर दर्शाया जाता है। अगर आप डाइजेस्ट में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आंसर जो है वो बड़ा है, तो उसी में से मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर छोटे छोटे आंसर करके लिखे हैं। ठीक है, आ देखिए, समघन और क्षेत्रघन पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको एक बॉक्स बना लेना है अंतर स्पष्ट करने के लिए। ये देखिए, समघन और क्षेत्रघन पद्धति, अगर आप आगे जोड़ना चाहते हैं पद्धति, यहाँ पर भी पद्धति जोड़ दीजिएगा। तो पहला है ये आप लिख लीजिए, उसके बाद में दूसरा और तीसरा पॉइंट भी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे तीसरे पॉइंट पर। ये देखिए, ये है पॉइंट टू एंड ये है पॉइंट थ्री। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पूरा आंसर लिखना पड़ता है, तो आई थिंक ये पूरा ही लिखा है मैंने। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, प्रदेश की जनसंख्या इस घटक का प्रत्यक्ष वितरण दर्शाने के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। अब हमें इसमें कारण भी देना है। तो आपका आंसर ये रहा, दो पॉइंट है इसमें, इसे आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न जानकारी हेतु कौन से मानचित्र पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ये जो है आपके नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है, ये है एक मानचित्र, उसके आधार पर ये तो फोर्थ क्वेश्चन का है। ठीक है, इसके आधार पर आपको फोर्थ क्वेश्चन में लिखना होगा, उससे पहले थर्ड क्वेश्चन है। तो जिले में गेहूं का तहसील अनुसार उत्पादन, तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें लिखना है कि कौन सा बिंदु पद्धति है, कौन सा क्षेत्रघन पद्धति है एंड कौन सा समघन पद्धति। ठीक है, तो पहला देखिए, जिले में गेहूं का तहसील अनुसार उत्पादन,
तो ये है आपका क्षेत्रघन मानचित्र पद्धति, आप सीधा क्षेत्रघन पद्धति भी लिख सकते हैं एंड क्षेत्रघन मानचित्र पद्धति भी लिख सकते हैं। सेकंड है समघन मानचित्र पद्धति, तीसरा है बिंदु मानचित्र पद्धति और चौथा है बिंदु मानचित्र पद्धति, ठीक है। फिफ्थ भी है महाराष्ट्र राज्य का तापमान वितरण, तो ये हम करते हैं समघन मानचित्र पद्धति में। देन उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, कोल्हापुर ज़िले की जनसंख्या वितरण के मानचित्र का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है ये वाला मानचित्र अच्छे से इसको देखना है, समझना है। और पहला ही क्वेश्चन है कि ये कौन सा मानचित्र है, यानी बिंदु पद्धति है या फिर क्षेत्रघन पद्धति या फिर समघन पद्धति। तो देखते ही पता चलता है अगर ऐसे बिंदु रखे गए हैं तो ये क्या है, बिंदु पद्धति है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट का आंसर बिंदु पद्धति से। ये इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं, पहला है बिंदु पद्धति से, सेकेंड है यहाँ पर ज़िले में जनसंख्या का वितरण उत्तर की ओर सघन और दक्षिण की ओर विरल है, ठीक है, ये इसका आंसर है। देन थर्ड, सबसे बड़े बिंदु से दर्शाने वाले स्थान पर जनसंख्या कितनी और वह स्थान कौन सा है। तो अब देखिए सबसे बड़ा तो बिंदु आपको ये दिख रहा है, देन यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, देखिए सबसे बड़ा 20 लाख है, तो ये कोल्हापुर लिखा गया है यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर है कोल्हापुर, तो कोल्हापुर इस ज़िले में इतनी जनसंख्या यानी 20 लाख, ठीक है, ठीक है, कोल्हापुर के स्थान पर 20 लाख जनसंख्या। सो दैट यहाँ पर लिखा है सबसे बड़े बिंदु से दर्शाए गए स्थान की जनसंख्या 20 लाख है, यह स्थान कोल्हापुर ज़िले की करवीर तहसील है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या कौन सी तहसील में है। तो सबसे कम अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर तो इससे अधिक थोड़े बिंदु है, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर तो ये सबसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 9 तक ही यहाँ पर बिंदु है। तो ये क्या, कौन सा स्थान है, ये गगन बावड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गगन बावड़ा। तो इसी के साथ हमारा पूरा स्वाध्याय जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।